जनपद संभल के चंदोसी नगर के संजीवनी पैलेस में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वावधान में चल रहे 4 दिवसीय योग चिकित्सा एवं ध्यान योग शिविर में लोगों का मोटापा दूर करने के लिए विशेष योगाभ्यास कराया गया। साथ ही पतंजलि उत्पाद पर छूट पाने के लिए समृद्धि कार्ड बनाए गए। शिविर में मोटापा, उदर रोग, दमा आदि में उपयोगी आसन, पादव्रत आसन, अर्धहल आसन के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कैसे नियंत्रित किया जाए विस्तार से बताया गया। साथ ही देवादिति ने सर्वांगासन के लाभ के विषय में बताया कि सर्वांगासन को करने से थायराइड ग्रंथि को सक्रिय एवं स्वस्थ किया जा सकता है। इससे मोटापा, दुर्बलता, कद वृद्धि में कमी, थकान आदि विकार इस आसन को करने से दूर होते हैं। सर्वांगासन करने से एडिनल शुक्र ग्रंथि एवं बीम ग्रंथि को सबल बनाया जा सकता है। शिविर के दौरान पतंजलि के उत्पादों पर विशेष छूट के लिए समृद्धि कार्ड बनाए गए। समृद्धि कार्ड के द्वारा पतंजलि की अधिकृत दुकानों से खरीदारी पर 5 से 6% तक की छूट का लाभ लिया जा सकता है। आयोजकों ने बताया कि शिविर के समापन पर शनिवार को भारी संख्या में लोगों ने योग शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव के शिष्य देवादिति ने बताया कि योग के माध्यम से व्यक्ति तंदुरुस्त रह सकता है। कैसा लग रहा है? मैं तो 4 दिन का शिविर लगा था। पहला सुख निरोगी काया और योग के माध्यम से ही निरोग जागृत रहा जा सकता है, तो वो आप ही हैं। जैसे अपना चंद्रासी में भी योग कक्षाएं चल रही हैं, मैं तो रघुनाथ आश्रम दिव्य योग मंदिर से हरिद्वार से, चूंकि मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, मैं पूज्य महाराज जी से और पूज्य आचार्य जी से दोनों से ही मुझे इसने करते हैं। और हरिद्वार में मैं 2004 तक रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई की है, तो योग तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। और पतंजलि के माध्यम से आज 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है कि घर पर निरंतरता नहीं बन पाती महिलाओं के साथ भी और पुरुषों के साथ। लोगों को संदेश यही देना है, योग सारी बीमारियों का खत्म करने वाला है। योग करोगे तो निरोग रहोगे। 1 घंटा आप घर से बाहर निकलिए। और उसमें पहले इसमें योग शिविर चल रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे और इसमें आपने भी भाग लिया? देखिए, ये योग शिविर पतंजलि योग पीठ के द्वारा आयोजित है, जिसमें सभी नगरवासियों का पूर्ण सहयोग रहा है और विशेष रूप से उनका जिन्होंने ये शिविर में 4 दिन भाग लिया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने साथ साथ और लोगों को भी आने के लिए प्रेरित किया और उन लोगों ने 4 दिन में इस योग शिविर का लाभ उठाया। मैं चाहता हूँ कि पूरा देश हमारा स्वस्थ हो। जब व्यक्ति रोग मुक्त होगा तभी देश स्वस्थ होगा और देश तरक्की करेगा, चाहे वो किसी वर्ग विशेष का हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, किसी समुदाय का हो। यदि वो योग का लाभ लेगा तो उसके लिए जैसे जल, नीर, हवा, वायु, इस तरह की चीज़ें हैं, वो उसे फायदा देती है। वो इसी में किसी वर्ग विशेष का साथ नहीं है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि सभी वर्ग के भाग योग करें और निरोग रहें, जिससे देश हमारा प्रतिदिन आगे बढ़े और लाभ उठाए। योग चिकित्सा और ध्यान शिविर के में मैंने भाग लिया और मैं बधाई दूंगा सबको जिन्होंने इस प्रॉम को प्रॉम किया, उनको बधाई, जो कर रहे हैं उनको बधाई। इससे हमारा जीवन और हमारा स्वस्थ आगे रहता है और हमें योग करना चाहिए बराबर, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम आगे बढ़ करके देश की सेवा कर सकें। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से यही कहेंगे कि योगा करना चाहिए ताकि अपना स्वस्थ रहें हम और देश के लिए काम करें। ये मैं अपील करूंगा कि योगा हर व्यक्ति को करना चाहिए। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। निरोग रहेंगे। आज चंदोदी संजीवनी पैलेस में निःशुल्क योग शिविर लगाया गया पतंजलि की तरफ से, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने आज जो पूर्ण किया है, आज समापन दिवस था अपना, 16 तारीख से लेकर के 19 अक्टूबर तक यहाँ पर हम लोगों ने 4 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत समिति और किसान सेवा समिति के अंतर्गत पूरा किया। और इसमें हमें चंदौसी से एक बहुत ही अच्छा सहयोग हम लोगों को मिला। लगातार रोज़ ही बहुत अधिक संख्या में लोगों ने आकर के हमारा उत्साह और स्वयं का उत्साह भी वर्धन किया। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये योग शिविर, 4 दिवसीय योग शिविर हमारे समस्त चंदौसी वासियों के जीवन में एक अच्छे परिवर्तन का कारक बनेगा, एक अच्छी जागरूकता का कारण बनेगा और योग यहाँ पर और अच्छे से प्रतिष्ठित होगा। इसी के साथ साथ हमारे मीडिया के आप सभी भाई बंधुओं का भी बहुत अच्छा सहयोग हम सबको प्राप्त हुआ, उसकी वजह से ये कार्यक्रम और अधिक सफल रहा। इसने आप सबको भी खूब सारी शुभकामनाएँ हैं, आभार है। जिस तरीके से बाबा जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिया, ये क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का तप और निरंतर पुरुषार्थ है, साथ ही उन हमारे लाखों करोड़ों भाई बहनों का जो पतंजलि संगठन से जुड़ करके सेवाएं दे रहे हैं,
और आज की डेट में पूरे भारत के अंदर ही करीबन 1 लाख निःशुल्क योग कक्षाएँ भारत के अंदर चल रही हैं।